दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग मामले में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि वे मेडिकल आधार पर जमानत के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। कोर्ट के समक्ष ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूड़ी आम और मीठा खा रहे हैं। वह ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। ये एक तरह से मेडिकल के आधार पर जमानत लेने का तरीका है। They have withdrawn, but the person is in court's custody, and it is the duty of the court to take care to ensure that they are not being a hazard to themselves. त्यार जैसे report भी बनाई sir? Yes. कब पेश करनी sir? No further comments. राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से केजरीवाल का डाइट चार्ट देने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए तय कर दी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया है कि हमने जेल अथॉरिटी से केजरीवाल की शुगर लेवल और उनके डाइट चार्ट रिपोर्ट मांगी थी। ईडी ने बताया कि केजरीवाल का शुगर बढ़ने की प्रमुख वजह उनका घर का खाना है, क्योंकि उन्हें घर से आलू आम मिठाई शक्कर की चाय और अन्य मीठी चीजें खाने के लिए दी जा रही है और यही वजह है कि उनका शुगर बढ़ा है। ईडी ने कहा कि शुगर को ही मेडिकल के आधार पर जमानत दाखिल करने का आधार बनाया जा रहा है। केजरीवाल के वकील ने ईडी की दलील का विरोध करते हुए कहा है कि ईडी मीडिया के लिए ये बयान दे रही है, जबकि केजरीवाल की फास्टिंग की शुगर 173-267 तक भी गया है। मेडिकल भी 120 लेवल के शुगर को नॉर्मल मानता है। He is only eating what has been prescribed by the doctors, and this is an issue made by ED, so that this home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. We don't want sir, to. Sir, ED's counsel was saying that he is having mango sweets and tea with sugar. Whatever he is having is as per the doctor's prescribed diet. I don't want to say anything much further. But aren't these foods exactly what are high sugar foods? अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं। ऐसे में उनके वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले एप्लीकेशन दायर कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को डॉक्टर से नियमित कंसल्टेशन देने की मांग की थी, लेकिन अब उनके वकीलों ने ये एप्लीकेशन वापस ले ली है। इसी एप्लीकेशन के विरोध में ईडी ने अदालत के समक्ष ये बातें कही। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिलहाल शुक्रवार को मामले पर अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।